अगर आप ट्रू कॉलर पर लॉगिन करते हो और लॉगिन करते टाइम आपको इस तरह का प्रॉब्लम शो होता है, अनेबल टू कनेक्ट, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर। सो गाइस, आप इस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो? इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब गाइस आपको अपने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन पर लॉन्ग प्रेस करना है। ट्रू कॉलर पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा, ऐप इन्फो। अब आपको इस ऐप इन्फो वाले ऑप्शन को ओपन करना है। ऐप इन्फो को ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पे परमिशन वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको सबसे पहले इस परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओपन करना है और आपको यहाँ पे सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ सारी परमिशन को अलाउ कर दिया है। सो इस तरह से आपको भी अपने ट्रू कॉलर पर सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। इतना करने के बाद अब आपको वापस आना है। वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलेगा, स्टोरेज एंड कैचा। आपको इस स्टोरेज एंड कैश वाले ऑप्शन को ओपन करना है और इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, क्लियर कैश। आपको इस क्लियर कैश पर क्लिक करके अपने ट्रू कॉलर का कैश क्लियर कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको वापस आना है। वापस आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो होगा, मोबाइल डेटा एंड वाईफाई। अब आपको इस मोबाइल डेटा एंड वाईफाई वाले ऑप्शन को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब गाइस आपको यहाँ पर ये मोबाइल डाटा वाला ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आपके फ़ोन में ये मोबाइल डाटा वाला ऑप्शन, बैकग्राउंड डाटा वाला ऑप्शन ऑफ है इस तरह से, तो गाइस आपको जो है इसे ऑन कर देना है इस तरह से। सो इसको ऑन करने के बाद आप चाहो तो ये अनरिस्ट्रिक्टेड डेटा यूसेज को भी ऑन कर सकते हो। इतना करने के बाद अब आपको वापस आना है और फिर वापस आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो होगा फोर्स स्टॉप का। अब आपको इस फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फोर्स स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपने ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को फोर्स स्टॉप कर लेना है। इतना करने के बाद अब आपको वापस से अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर अपने इंटरनेट कनेक्शन को चेक करना है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही से वर्क कर रहा है। या आप चाहो तो अपने फ़ोन को एक बार एरोप्लेन मोड में डालकर फिर वापस से अपना डाटा ऑन कर सकते हो। सो आपको इतना करना है और आपको अपने प्ले स्टोर या ऐप स्टोर को ओपन करना है, जो भी आप यूज़ करते हो। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ सर्च बार में क्लिक करना है और ट्रू कॉलर को सर्च कर देना है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देख लेना है कि आपके ट्रू कॉलर पर कोई अपडेट आया है। अगर आपके ट्रू कॉलर पर अपडेट आया है तो आपको अपने ट्रू कॉलर को अपडेट कर लेना है। कई बार हम सालों तक अपने ट्रू कॉलर को अपडेट नहीं करते, इसके कारण उसमें नई नई प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। सो यहाँ से आपको अपने ट्रू कॉलर को अपडेट कर लेना है और अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पर आना है। फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद अब आपको अपने फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है और फिर फ़ोन की पावर बटन पर लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको अपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर लेना है या रिफ्रेश कर लेना है, जो भी ऑप्शन आपके फ़ोन में है। मेरे फ़ोन में रीस्टार्ट का है तो मैं रीस्टार्ट कर लूँगा। और इतना करने के बाद जब अपने ट्रू कॉलर को ओपन करोगे और फिर उसमें लॉगिन करोगे तो गाइस आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो इस तरह से आप ट्रू कॉलर की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जाना और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।